हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक यूजेस ऑफ एनिमल्स क्लास सेकंड ईवीएस। इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी हैव स्टडीड अबाउट एनिमल्स देयर यंग वंस एंड साउंड्स। टुडे वी आर स्टडीइंग यूजेस ऑफ एनिमल्स, सो लेट्स स्टार्ट। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स, वी शुड नॉट किल देम फॉर फन। We should take care of animals. If we do not tease them, they will not harm us. Animals जिनसे हमें बहुत कुछ मिलता है तो उनकी हमें केयर करनी चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए और उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। जब तक हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे तब तक वो हमें कोई हार्म नहीं पहुँचाएंगे। So, जैसे एनिमल्स हमें बहुत कुछ देते हैं तो उसके ही कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देखेंगे। बफेलोज एंड काउज गिव अस मिल्क। मिल्क इज़ अ कम्प्लीट फूड, इट मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड वी गेट इट फ्रॉम बफेलोज एंड काउज। डक्स एंड हैंस गिव अस एग्स। एग्स आर रिच इन प्रोटीन, इट इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड and we get it from ducks and hens. Sheep gave us wool. This is a picture of sheep. Sheep gave us wool. By this wool we get woolen cloths and woolen cloths protect us from cold. Woolen cloths keep our body warm. Donkeys and mules carry our load. Bulls draw carts and help our farmers. Silkworms give us silk. Silkworm eat the leaves of mulberry plant. By this we get silk and silk cloths. Bees give us wax and honey. We get many useful things from the skin of dead animals. We call them leather articles. It includes leather shoes, belt, purse, leather jackets. All these we get from the skin of dead animals. The snake eats rats and prevents the crops from getting spoiled. स्नेक जो हैं रैट्स को खा जाते हैं। रैट्स क्या करते हैं, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो स्नेक रैट्स को खाकर हमारी फसलों को, क्रॉप्स को ख़राब होने से बचाते हैं। द अर्थवॉर्म हेल्प्स द फार्मर बाय मेकिंग द सॉइल सॉफ्ट। अर्थवॉर्म भी हमारे काम आते हैं, कैसे, वो सॉइल को, मिट्टी को सॉफ्ट कर देते हैं और जिससे एयर और वाटर मिट्टी के अंदर अच्छे तरीके से जा पाता है और ये फर्टिलाइज करते हैं सोइल को। सो ऑल दीज आर यूजेस ऑफ एनिमल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।